दोस्तों, अगर आप लोग भी पीसी बिल्ड एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो और इस एप्लीकेशन में आप लोग को भी विड्रॉल में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग इस एप्लीकेशन में अपने विड्रॉल को कैसे निकालोगे। अगर आपका वे विड्रॉल इस एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप से पेंडिंग में है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कि आप लोग इस एप्लीकेशन में अपने विड्रॉल को कैसे निकाल सकते हो और इस एप्लीकेशन में अभी कैसे आपको विड्रॉल अप्लाई करना है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे एंडिंग एप्लीकेशन के वीडियो देखने के लिए। देखो, इस एप्लीकेशन के पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा यूजर का कमेंट आ रहा था कि हमारा विड्रॉल जो है इस एप्लीकेशन के अंदर पेंडिंग में जा रहा है और कितना भी देर हम लोग इस एप्लीकेशन के अंदर वेट कर रहे हैं तो विड्रॉल जो है पेंडिंग में रह जाता है, उसके बाद कंप्लीट नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस एप्लीकेशन के विड्रॉल के बारे में सारा कुछ जानकारी क्लियरली शेयर कर दूंगा, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना। एंड अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर एप्लीकेशन का अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही देखने को मिल जाता है। तो टेलीग्राम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। बाकी अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस एप्लीकेशन में आप लोग जैसे ही एंटर करोगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन अभी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, इस एप्लीकेशन में आपको अर्निंग वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से रिसीव हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही इस एप्लीकेशन का विड्रॉल अप्लाई करोगे तो आपका विड्रॉल इस एप्लीकेशन के अंदर सीधे पेंडिंग में चला जाएगा। जैसा कि मैं अपना खुद का विड्रॉल रिकॉर्ड आप लोग को दिखा देता हूँ, तो इस टाइप से आपका विड्रॉल इस एप्लीकेशन के अंदर पेंडिंग में जा रहा होगा। तो इस तरह से पेंडिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप लोग अपने विड्रॉल को अप्लाई करोगे तो आपका विड्रॉल जो इस एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो देखो, इस एप्लीकेशन के वॉलेट में मेरा अभी 270 रुपये है जो कि विड्रॉल करना बाकी है। तो इस एप्लीकेशन में आपको किस तरह से विड्रॉल अप्लाई करना है सारा को जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना। देखो, पहले बात तो इस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 10% यूजर का विड्रॉल अप्रूव किया जा रहा है, तो आपको सही तरीके जान लेना है कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर विड्रॉल अप्लाई करना है। पहली बात तो देखो, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, मतलब किसी भी प्लान को आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर डेली नया नया प्लान लॉन्च होता है। तो आपको लालच में अगर इस एप्लीकेशन के अंदर किसी भी प्लान को बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है, अगर आप लोग किसी भी प्लान को परचेज भी कर लेते हो तो आपको यहाँ पे डबल लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सिर्फ डेली विड्रॉल अप्लाई करना है। तो विड्रॉल को सही तरह से अप्लाई करने के लिए आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप लोगों को यहीं पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका पुराना बैंक अकाउंट डिटेल जो है ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना पुराना बैंक अकाउंट डिटेल को चेंज करके एक न्यू बैंक अकाउंट डिटेल को आपको ऐड करना है, क्योंकि अभी के टाइम में इस एप्लीकेशन में 10% यूजर का विड्रॉल अप्रूव किया जा रहा है। तो आप लोग क्या करना, अपने बैंक अकाउंट डिटेल को चेंज करके इस एप्लीकेशन में दोबारा विड्रॉल को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों का विड्रॉल इस एप्लीकेशन में ही पेंडिंग में रह जाता है और विड्रॉल जो है रिफंड नहीं हो रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको इस एप्लीकेशन को स्किप कर देना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर 90% यूजर को इसी तरह का प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रहा है। बाकी इस टाइप का फ्री एप्लीकेशन डेली मार्केट में लॉन्च होता रहता है, तो आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है। हर एप्लीकेशन का अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे ही देखने को मिल जाता है, तो आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। एंड इस एप्लीकेशन के बारे में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना आपको।